वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लेट्स वी स्टार्ट टूडे, लेट्स वी स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर सेकेंड, दैट इज़ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इससे पहले हमने जो टॉपिक पढ़े थे वो थे बैक्टीरियल के करैक्टरिस्टिक्स, बैक्टीरिया के जो करैक्टरिस्टिक्स थे। अब हम पढ़ेंगे बैक्टीरिया के अंदर क्या देखेंगे, रिप्रोडक्शन। इससे पहले हमने बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर भी देख लिया था, ठीक है। अब हमें देखना है कि बैक्टीरिया जो है रिप्रोडक्शन कैसे कर सकता है। तो बैक्टीरिया जो रिप्रोडक्शन करता है, बैक्टीरिया के जो रिप्रोडक्शन है उसके टू मेथड्स होते हैं। कितने मेथड्स होते हैं, मतलब दो तरीके से वो रिप्रोडक्शन कर सकता है। फर्स्ट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एंड सेकेंड इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है बैक्टीरिया के अंदर, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो जो होता है जनरली बाइनरी फ्यूजन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है ना बैक्टीरिया के अंदर, वो बाइनरी फ्यूजन से होता है। बाइनरी फ्यूजन कुछ एक में क्या होती है, फ्रेगमेंटेशन भी होती है एंड बडिंग भी होता है, ठीक है। इसमें जो प्रोसेस हमने डिस्क्राइब कर रखी है वो कौन सी होती है, बाइनरी फ्यूजन। बाइनरी फ्यूजन देखते हैं, ये हमने 10th क्लास में भी पढ़ा था। बाइनरी फ्यूजन में फ्यूजन का मतलब क्या होता है, टूटना। बाइनरी का मतलब क्या होता है, दो। कोई भी बैक्टीरियल सेल्स टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, बाइनरी फ्यूजन। बाइनरी फ्यूजन का डेफिनेशन ऑलरेडी मैंने लिखवा रखी है, मैं आपको समझा देती हूँ इसका मीनिंग क्या होगा। कि एक बैक्टीरियल सेल्स है हमारी, ठीक है, ये बैक्टीरियल सेल्स का सेल वॉल है और ये है उसका न्यूक्लियोड, और ये क्या हो गया, साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियोड और ये है उसका साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो होता क्या है, बैक्टीरियल सेल्स जब डिवाइड होती है तो सबसे पहले इसके जो अंदर वाला जो न्यूक्लियस है ना वो डिवाइड होता है। ऐसे ही न्यूक्लियस के अंदर कंस्ट्रिक्शन पड़ते हैं, उसके बाद न्यूक्लियस डिवाइड होने के बाद जो कंस्ट्रिक्शन स्टार्ट होता है इसके साइटोप्लाज्म, जो कि सेल वॉल से होते सेल मेम्ब्रेन की तरफ बढ़ता है, फिर साइटोप्लाज्म की तरफ बढ़ता है, ठीक है। बट पहले जो इसका न्यूक्लियोड है ना वो डिवाइड होता है, ठीक है। जैसे कि अब ये हमारा हो गया है न्यूक्लियोड, डिवाइड हो गया है, लगभग अलग अलग हो गए हैं, और ये जो है सेल मेम्ब्रेन भी आगे की तरफ बढ़ती जा रही है। साइटोप्लाज्म जो कंस्ट्रिक्शन है ना आगे की तरफ कंटिन्यूस बढ़ता जाता है दोनों को अलग करने के लिए। फिर लास्ट में हमारी कितनी सेल्स बन जाती हैं, दो सेल्स बन जाती हैं। एक सेल से कितने बन जाते हैं, दो सेल से, पूरा का पूरा डिवाइड हो जाता है। तो हर एक सेल्स का क्या होता है, अपना न्यूक्लियोड होता है और उसका साइटोप्लाज्म होता है, और मतलब सेल वाले सेल मेम्ब्रेन भी होती है। दिस इज़ द न्यूक्लियोड, ठीक है, और ये हमारा हो गया साइटोप्लाज्म एंड ये हो गई सेल वॉल। तो ऐसे बाइनरी फ्यूजन में एक जो बैक्टीरियल सेल्स होती हैं ना वो दो में डिवाइड हो जाती है, मतलब एक के कितने बन जाते हैं, दो बन जाते हैं। तो इस तरीके से बाइनरी फ्यूजन से जो बैक्टीरिया है ना वो अपनी पॉपुलेशन को, अपने नंबर को बढ़ाता है। एवरी 20 मिनट में वो डिवाइड होता रहता है। तो इसकी जो रिप्रोडक्शन की पावर है बैक्टीरिया के अंदर बहुत ज़्यादा फास्ट है, तो बहुत ही थोड़े से टाइम में वो अपने नंबर बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर सकता है, ठीक है। तो ये बाइनरी फ्यूजन था। इसके अलावा जो रिप्रोडक्शन होता है, जैसे कि हम देखते हैं बैक्टीरिया के अंदर जो रिप्रोडक्शन है वो कौन सा होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कौन सा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है बैक्टीरिया के अंदर यो भी 3 मेथड्स के थ्रू होता है। दे आर 3 मेथड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। फर्स्ट जो मेथड है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का वो है, वैसे जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ना बैक्टीरिया के अंदर, ट्रू वाला सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है जो कि ह्यूमन बींग्स में, हायर ऑर्गेनिज्म में होता है। उनमें तो क्या होता है कि गमेट्स बनते हैं, जायगोट बनता है, बट इसमें ऐसा नहीं होता है। इसमें ओनली जीन का ट्रांसफर होता है, कुछ सेगमेंट ऑफ डीएनए ट्रांसफर करते हैं फ्रॉम वन सेल टू अदर सेल्स में, ठीक है। तो इस टाइप्स का रिप्रोडक्शन को हम जेनेटिक रिकम्बिनेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जेनेटिक रिकम्बिनेशन, ठीक है। और ये जेनेटिक रिकम्बिनेशन जो है 3 मेथड से हो सकता है बैक्टीरिया के अंदर। सबसे पहला मेथड है कॉन्जुगेशन, एंड सेकेंड मेथड जो है वो है ट्रांसफॉर्मेशन,
एंड थर्ड मेथड जो है वो है हमारा ट्रांसडक्शन. कौन सा है? ट्रांसडक्शन. ट्रांसडक्शन ठीक है. फिर मेथड कौन सा है हमारा? ट्रांसडक्शन. तो पहला जो मेथड है वो कौन सा आ गया हमारा? कॉन्जुगेशन. देखो व्हाट इज कॉन्जुगेशन. कॉन्जुगेशन का मीनिंग क्या होता है? कॉन्जुगेशन का मतलब होता है कि इस एक सेल से, इसमें ना दो सेल्स होती हैं. एक तो सेल्स होती है डोनर, डोनर मतलब जो डोनेट करती है. एक सेल्स होती है रिसिपिएंट, रिसिपिएंट मतलब जो रिसीव करती है. ठीक है. डोनर को हम मेल मानते हैं और रिसिपिएंट को हम क्या मानते हैं? फीमेल मानते हैं. तो इसमें क्या होता है, डोनर का जो डीएनए मटेरियल है या डीएनए है वो फीमेल के अंदर ट्रांसफ़र होता है थ्रू एक कॉन्जुगेशन ट्यूब. एक कॉन्जुगेशन ट्यूब के थ्रू चला जाता है. ठीक है. तो इस टाइप ट्रांसफ़र होना डीएनए का, जेनेटिक मटेरियल का, वन सेल से डोनर सेल से टू रिसिपिएंट सेल्स या मेल से फीमेल्स थ्रू एक कॉन्जुगेशन ट्यूब इज कॉल्ड कॉन्जुगेशन. ठीक है. नेक्स्ट जो हमारा मेथड आता है